सो हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने कल लास्ट एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके पास था उसके ऑलमोस्ट सभी पार्ट को कर लिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी कर लिया था और आज हम क्वेश्चन थर्ड को करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का स्टेटमेंट क्या है, पहले हमें उस स्टेटमेंट को जानना पड़ेगा। द पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वॉट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास एक पैरीमीटर दे रखा है। द पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। ये पैरीमीटर क्या है? पैरीमीटर क्या होता है बेटा? पैरामीटर होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं परिमाप, है ना। पैरामीटर को क्या बोलते हैं? परिमाप। तो एक स्विमिंग पूल है आपके पास कुछ इस तरह का, इसको हम डायग्राम भी आपने फेयर में बनाना है, ठीक है। ये इस तरह का कोई एक पैरामीटर है, ये किसी रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है ये एक, ठीक है। ये क्या है? स्विमिंग पूल। हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं इसको कि ये क्या है? एक स्विमिंग पूल है ये, ठीक है। अब स्विमिंग पूल है और इस ये जो स्विमिंग पूल है ये एक रेक्टेंगल की शेप का है। इसकी शेप कैसी है? एक रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। अब रेक्टेंगल में लेंथ भी होती है और उसकी ब्रेथ भी होती है ना। रेक्टेंगल में क्या होता है, अगर ये सामने वाली लेंथ इसके बिल्कुल इक्वल होती है, इक्विवेलेंट होती है, और ये जो इसकी ब्रेथ है वो इसके इक्विवेलेंट होती है। तो हम इसको भी एज अ ब्रेथ लिख सकते हैं और इसको एज अ लेंथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है? एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, जो कि रेक्टेंगुलर है। अब जो आपके पास गिवन है, देखिए गिवन क्या है, गिवन क्या है कि उसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर आप समझते हो पैरामीटर क्या है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है इस पॉइंट ए के ऊपर और यहाँ से उसने चलना शुरू किया, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर वो यहीं पे वापस पहुँच गया। तो उस लड़के ने जो दूरी यहाँ से, ठीक है, जो दूरी उसने तय की है, यहाँ से चला वो, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, जो उस लड़के ने जो डिस्टेंस कवर करा है उसका पैरामीटर होगा। तो पैरामीटर आपके पास गिवन है, अभी देखते हैं पैरामीटर है ना। उसका जो पैरामीटर है गिवन है वो है 154 मीटर, ठीक है। पैरामीटर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ, जो कि 154 के बराबर है। ये आपके पास गिवन दिया हुआ है। अब इसको हम इक्वेशन वन जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हमें चलना पड़ेगा। अब देखो फिर से हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर। लेंथ जो है वो 2 मीटर मोर है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना। उसकी जो ब्रेथ है, उसकी जो चौड़ाई है, उससे क्या है? 2 मीटर ज़्यादा है, 2 मीटर ज़्यादा है ना, वो ट्वाइस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसको क्या करते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इक्वल टू एक्स मीटर। अब क्या क्या उसने, उसका जो लेंथ है ये हमने ब्रेथ तो मान लिया है, यानी कि इसको हम बी से रिप्रेजेंट, यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया है, आप कैपिटल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रेथ है उसको मैंने कंसीडर कर लिया है एक्स मीटर। लेंथ कितना है उसका, जो लेंथ होगा वो कैसे हम लिखेंगे, हमें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, लेंथ जो है वो 2 मीटर मोर है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस है और 2 मीटर मोर है, ठीक है। तो इसका लेंथ आ गया। अभी आपके पास क्वेश्चन से लेंथ भी आ गया है, ये लेंथ भी आ गया है और ब्रेथ भी आ गया है,
ये स्टेटमेंट से हमने सीखा, यानी कि जो क्वेश्चन ने कहा था, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि उसका जो लेंथ है, जो स्विमिंग पूल का जो लेंथ है, जो स्विमिंग पूल का लेंथ है वो क्या है, 2 मीटर मोर, 2 मीटर मोर है और ट्वाइस है। ट्वाइस किसका है, देखो टू टाइम्स, ट्वाइस मीन टू टाइम्स, ट्वाइस है किसका, उसकी विड्थ का, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट हमने बना लिया। अब फ्रॉम वन, नाउ इक्वेशन वन बिकम, अब इक्वेशन वन क्या आएगा, देखिए बहुत मजेदार है। यहां पे देखेंगे तो टू लेंथ आपके पास दे रखा है 2x+2 और विड्थ आपके पास दे रखा है x, और ये किसके बराबर है 154। हमने सिर्फ वैल्यू को पुट ही करा है, अब इसको सॉल्व करेंगे देन यहाँ पे बन जाएगा 2x+x 3x+2 देन 154। यहाँ पे आपके पास 3x+2 रहेगा और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब जैसे ही ये डिवाइड में जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा है ना, 7 to the 14 देन अगेन 7 to the 14, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3x+2 = 77। नाउ 3x 77 - 2 देन 3x = 75, और आपके पास यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 75/3 = 25। तो देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ x का वैल्यू, आपने नीचे लिखना है इसको, x का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 25 मीटर। और x क्या था, व्हाट इज x, विड्थ है ना, तो x का वैल्यू यानी कि वो ब्रेथ की बात कर रहा है तो वो 25 मीटर होगा। अब x आपके पास 25 मीटर है, यहाँ पे x का वैल्यू 25 मीटर है, तो उसका विड्थ कितना होगा, क्योंकि हमने x को ये माना था है ना, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पूल बी x, यानी कि विड्थ आपके पास x है, तो लेंथ कितना होगा, 2 × 25। देखिए x की जगह पुट कर देंगे तभी तो लेंथ का वैल्यू आएगा, 2 × 25 + 2, बोर्ड मास लगाएंगे, मल्टीप्लाई होगा 15 और यहाँ पे 52 मीटर। तो आपके पास जो उसका लेंथ आएगा यानी कि जो उसकी x आएगा, विड्थ जो होगा वो उसके पास 25 मीटर होगा और वो जो लेंथ होगा वो 52 मीटर होगा, तो 52 मीटर उसका लेंथ होगा और विड्थ जो होगा वो 25 मीटर होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आप इसको बड़े इजीली कर सकते हो बच्चों। थैंक यू।